अगर मेरे पास डेटा हो, कैसा डेटा, किसी भी कैसा भी डेटा होगा, उसको अगर आपको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो आप सिंपल क्या करते हो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हो, है ना। हाँ जी, किसी भी डेटा को कॉपी और पेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पीयूष, तो आपको बोला इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है कहीं पे, तो आपने यहाँ पे सिंपल कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया, ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट। एक होता है कट एंड पेस्ट, तो कंट्रोल एक्स से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो और कहीं पर पेस्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उठ के जंप कर जाएगा यहाँ पे। तो ये है कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने का, चलो ये तो हमने ऐसे कर ली सिंपल। अगर मैंने किया इक्वल टू दिस, तो इक्वल टू E4 हुआ ना, E4 का मतलब क्या है, पीयूष है। अगर मैं एंटर किया तो क्या आएगा, पीयूष आया ना। हाँ जी, पीयूष आया। अब इस पीयूष को अगर मैं कॉपी करूं यहां पर, तो पेस्ट सही है। इस पीयूष को अगर मैं कॉपी करूं और यहां पर पेस्ट करूं तो क्या आएगा, पेस्ट कर दूं, चलो कर दिया। अब ये क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब इस पीयूष को हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये पेस्ट नहीं हुआ, है ना। पीयूष जो लिखा हुआ था, हालांकि कुछ तो पेस्ट हुआ है, जीरो ऐसे नहीं आया, लेकिन इसकी वैल्यू पेस्ट नहीं हुई, इसके फॉर्मूले पेस्ट हुए, पूरा का पूरा डेटा ही पेस्ट हो गया, है ना। यहाँ पे देखो इक्वल टू क्या था, E4, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया, C7। तो इक्वल टू E4 का मतलब E4 में पीयूष था, तो यहाँ पीयूष आ गया। यहां पर ठीक है, वापस से आते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहां पर E4 दिया हुआ है, तो E4 एक रेफरेंस दिया ना, रेफरेंस दिया, यहां पे रेफरेंस क्या है, C7। तो C7 में कोई वैल्यू होगा तब तो वो पेस्ट करेगा। अगर मैंने C7 में लिखा कृतिका, एंटर, तो यहाँ पे देखो कृतिका आ गया ना। दिस मीन्स इस टाइम ये क्या कर रहा है, पेस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू एज इट इज जो वैल्यू दिखा था वो पेस्ट नहीं किया, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा डेटा सेट रेडी कर लेता हूँ, छोटा सा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे देता हूँ नेम में क्या, निशांत, NISHANT, निशांत ऐसे दे दिया। ठीक है, ओके और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, संडे मंडे लिखता हूँ, संडे मंडे, ओके ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ फंक्शन फंक्शन लगाता हूँ रैंड बिटवीन। जिसको रैंड बिटवीन पता नहीं है बता दूँ, रैंड बिटवीन क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, कोई बताएगा रैंड बिटवीन का काम क्या है, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, हेलो, किसी को आवाज नहीं आ रही है, सॉरी यार कुछ पता नहीं, कुछ इंटरनेट का इशू है। लाइक मेरा इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है और वो खुद से कट जा रहा है इंटरनेट, एंड फिर से आ जा रहा है हमारे उसमें। ठीक है, तो हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो स्क्रीन इज विजिबल। हाँ यस सर, ओके। मैं ये पूछ रहा था रैंड बिटवीन का काम क्या है यार, रैंड बिटवीन क्या करता है बताएगा कोई, कोई एनीवन, रैंड बिटवीन का मतलब क्या है, वो क्या उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। मैं बताऊं कि कुछ डाटा को लिया आता है, लाइक अगर कुछ कर सकते हैं, अगर हम जितना जहां से स्टार्ट मतलब वैल्यू डालेंगे और जहां तक उसके बीच के डेटा मतलब वैल्यू देगा वो। ठीक है, आपने तो सही बताया, जहाँ तक वैल्यू डालेंगे और जहाँ तक का वैल्यू डालेंगे, जहाँ से जहाँ तक का उसके बीच की वैल्यू देगा, ऐसे थोड़ी बताएंगे। इंटरव्यू होगा तो ऐसे थोड़ी बताओगे, इंटरव्यू में जाओगे तो ऐसे बताओगे। नहीं ऐसे नहीं बताएंगे, बताएंगे कि क्या रन बिटवीन है ना,
सेंड बिटवीन रिटर्न, क्या उसमें बताएंगे? अंग्रेजी में और बताएंगे क्या इतना, डिस्टिंक्शन हिंदी में मुझे नहीं बता होता। दो, ठीक है। रैंड बिटवीन क्या एक फंक्शन है जो क्या करता है, रैंडम नंबर देता है बिटवीन टू वैल्यू। टू वैल्यू मीन्स फर्स्ट वैल्यू इज सेकंड वैल्यू, बॉटम वैल्यू एंड द सेकेंड इज टॉप हाँ वैल्यू। टॉप वैल्यू, तो बॉटम और हाँ टॉप के बीच की कोई भी ऑल्टरनेट ये वैल्यू देती है, ठीक है। सो इट विल हाँ रिटर्न सही द कह रहे, रैंडम नंबर बिटवीन बॉटम एंड टॉप वैल्यू, सिंपल, टॉप वैल्यू। ठीक है। अच्छा पढ़ते जाओ आगे पीछे, बोलते जाओ तो समझ में आ जाएगा बाद में। देखो ये नेम है, ठीक है। नेम यहाँ पे निशांत वगैरह हो गए, यहाँ पे इनके इनके पूरे के पूरे जो भी हैं, सम है, संडे मंडे की वैल्यू हो गई, टोटल्स हो गई यहाँ पे सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे आते हैं, आगे में कुछ और मैं चीज़ें ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं क्या ऐड करता हूँ यहाँ पे, कुछ कमेंट पास करता हूँ। कमेंट पास करने का मतलब, अच्छा ये 181 है ना, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना सत्यम की, सत्यम का मार्क्स जो सबसे हाईएस्ट है ना। तो मैं यस यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में क्या है, इंसर्ट कमेंट, कमेंट, राइट। तो इंसर्ट कमेंट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया हाईएस्ट, हाई हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, हाई मार्क या मैक्सिमम मार्क करता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स। मतलब है कि आप जब भी कर्सर लेके जाओगे वहां पे वो देखो दिख जाएगा, पॉप कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स, ओके। ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कमेंट, यानी कि हमने कमेंट कमेंट भी पास किया है। इस डेटा में क्या क्या चीजें हैं देखो, फॉर्मेटिंग है, कलर की फॉर्मेटिंग है, इसमें हाँ बॉर्डर पास किया गया है, यस छोटी छोटी चीजें हैं, गौर करना। कमेंट है, कमेंट है, बॉर्डर है इसमें, कलरिंग किया गया है, मतलब सेल की फॉर्मेटिंग की गई है इसकी। चलो इसको मैं इसकी ये भी चेंज कर देता हूँ, लाइक और कुछ फॉन्ट ये फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिया हमने फॉन्ट की, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और काम कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक और गौर करना कि इसकी सेल की विड्थ जो है, इसकी जो सेल की विड्थ है ये थोड़ी कम है ना, ठीक। यस ये सब गौर करना, चीज़ों को गौर करना, ओके। अब एक और काम मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे सिटी ऐड कर देता हूँ, CITY सिटी। सिटी में मैं एक छोटा काम करता हूँ, एक और काम, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, PAT यानी पटना, RANCHI रांची, दिल्ली। कर हाँ जी, हाँ स्क्रॉल भी कर सकते आपने हैं अगर तो हमारा, कस्टम हाँ भी कर मैंने सकते बना रखा है तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे चार सिटी के नेम हो गए। अभी मैं यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करता हूँ, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन इन द सेंस कि मैं यहाँ पर गया, कहाँ पर जाते हैं ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए, डेटा टाइप में जाते हैं। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, ठीक है। सो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और मैं लिस्ट ले लेता हूँ, भूल जाना अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में क्लियर क्लियर करूंगा ये चीज़ लिस्ट। सो सोर्स के जगह मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले लिया। देखो A6 to A9, A6 to A9 में क्या है वैल्यू, पटना रांची दिल्ली वगैरह है ना, ओके करते हैं। जरा यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया ना, हाँ जी यस सर, ठीक है, यहाँ पे हाँ सर, ड्रॉप डाउन आ गया है। तो अभी सब जगह पर अभी ड्रॉप डाउन आ गया, आपको दिख रहा होगा, ओके फाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो है ना फॉन्ट की कलर व्हाइट कर, तो अभी ये दिखेगा नहीं, है डेटा यहाँ पे देखो है, अभी नहीं दिखेगा। तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड कर दी, इसमें मैंने ड्रॉप डाउन भी लगा दिया। अब एक और काम कर लेते हैं, इसमें मैं आ, 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 ये भी कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे सेलेक्शन देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाई लो लेस देन कर लूँ, लेस देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लेस देन क्या कर दूँ, लाइक 150, 130 कर देता हूँ, 130, ठीक है। सो जो 130 से लेस है वो आपका क्या हो गया, पेस्ट हो गया, सॉरी कलर हाईलाइट हो गया। मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई किए गौर करना, मैंने इसमें फॉन्ट नेम
जनरल वैल्यूज यहाँ पे पुट किया है, इसके बाद यहाँ पे देखो फॉर्मूले भी फॉर्मूले भी अप्लाई किए हुए हैं, इसमें हमने कमेंट भी अप्लाई किया है, इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की फॉर्मेटिंग भी है, की है, यहाँ पे डेटा ड्रॉपडाउन भी वैलिडेशन, है। हाँ इसको हम लोग कहते हैं डेटा वैलिडेशन, सिंपल कह लो डेटा वैलिडेशन भी हमने ऐड किया है, बाकी कलर वगैरह सब चीज़ कर दिया आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी है। एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे ना, एक नया इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर में इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी डेली रिपोर्ट, ऐसे डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट्स भी हो गए। चलो इसकी भी थोड़ी अच्छी कलर दे देता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा बोल्ड करके अंडरलाइन एंड, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे ये कॉपी एंड पेस्ट करना है यहाँ पर, मुझे क्या करना है, इसे कॉपी पेस्ट करना है ओके यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्शन दिए, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर दूँ ना, किसी को एतराज है, मैं पेस्ट कर दूंगा तो। हाँ मेरे को है, ये हाँ जी, तुम आपको तो रहेगा ही, बोलिए क्या एतराज है। तो वन सिंपल सा टेस्ट हुआ, लेकिन हमारा टॉपिक है टेस्ट स्पेशल। नहीं वो तो है ही, सही बात है। तो हमने अभी क्या किया, पेस्ट किया सिंपल, हमने पेस्ट को ये स्पेशल नहीं किया, हमने जैसे डेली करते थे वैसे ही कर दिया, ठीक है। अब इसमें तुम एक बात देखो कि इसमें क्या क्या कमियां आई हैं, इसमें पहले तुम ये बताओ कि क्या क्या कमियां आई। जो इसमें ना जो हमारे कॉलम की जो विड्थ थी, मतलब चौड़ाई थी, वो इसमें एज इट इज वैसी है, कोई हाँ कम नहीं है। ठीक है, ग्रेट। तो कॉलम की विड्थ यहाँ पे कम थी, यहाँ पे कम नहीं हुई है, राइट। फॉन्ट भी चेंज नहीं है। फॉन्ट भी चेंज नहीं है, बाकी सारी चीजें आ गई है, बाकी सारी चीजें एज इट इज पेस्ट हो गई है ना। लाइक देखो यहाँ पे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भी हैं, इसमें भी फॉर्मूले थे, फॉर्मूले यहाँ पे तुम्हारा वो भी बना हुआ है, लाइक क्या है, कमेंट भी है, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आया हुआ है, देखो हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब एक बात बताओ, हाँ जी पेस्ट हुआ है ना, अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में कुछ चेंजेस करूँ तो यहाँ भी चेंज हो, वो समझ चेंज में नहीं आया। होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 66 65, तो क्या ये 76 के जगह पे होगा चेंज, नहीं हो रहा है। नहीं दिस होगा। मीन्स कमी क्या रह गया, कि अगर मुझे पेस्ट करना है और जो पेस्ट होना चाहिए वो उस डेटा सेट से लिंक होना चाहिए, तो ये पेस्ट काम नहीं आएगा ना, नहीं। ठीक है, वो डेटा सेट से हमारा लिंक नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, जब मैं पेश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी विड्थ जो हो एज इट इज आए, जैसी इसकी विड्थ है वैसी इसकी विड्थ आए, तो वो भी नहीं हो रहा है। देखो कमियां मैं केवल गिन रहा हूं, मैं केवल कमियां गिन रहा हूं, ठीक है, ये काम। दूसरी तीसरी केस ये हो सकता है कि अगर मुझे यहां पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो ये बॉर्डर भी तो पेस्ट कर रहा है। अगर मुझे ये कलर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे केवल जो डेटा है उसमें केवल वो डेटा चाहिए, तो भी वो नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस पर आते हैं, अब हमको क्या करना है, इस डेटा को उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने से पहले हमारा कंसर्न ये है, हमने कॉपी किया, जब हम कॉपी करेंगे तभी जाके ये पेस्ट एक्टिव होता है, अदरवाइज इनएक्टिव। देखो अभी इनएक्टिव है ना, सर जब मेरा एक हम, क्वेश्चन है, अभी हाँ जी आपने वही सेम डेटा उधर पेस्ट किया तो उसमें देखिए जो कॉलम की विड्थ है वो बड़ी हो हाँ, गई, और कॉलम यहाँ पे कॉलम भी उतना ही है, मतलब इसका जो बिल्कुल ये पूरा टेबल है एज इट इज वैसे ही आ गया। ये पेस्ट करने से, मतलब नहीं ये पेस्ट करने की वजह से नहीं हो रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है, वो क्योंकि इस सामने कॉलम है की, कॉलम फ्रंट की विड्थ पहले से ही चौड़ी थी, पहले से ही कॉलम की पे। विड्थ बड़ी बड़ी ओके थी। यहाँ पे पहले से ही वैसी है हाँ इसलिए। इसमें, इसमें देखो इसमें पहले से ही वैसी है ना, ठीक हाँ। है ओके। तो अभी हम जब तक इसको कॉपी नहीं करेंगे तब तक ये हमारा एक्टिव नहीं होगा। नहीं तो होगा। मैं इसे करता हूं जैसे कॉपी, देखो ये एक्टिव हो गया। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। दूसरी चीज, अब हमको जाना है कहाँ, पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल जाने का बहुत सा रास्ता होगा, पहला रास्ता क्या है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दिख रहा है,
यस इस पे क्लिक करो, ये पेस्ट स्पेशल का पूरा आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही पेस्ट स्पेशल ओपन हुआ, तो पेस्ट कितनी तरह से कर सकते हो, इतनी तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां से भी पेस्ट स्पेशल आएगा, अदरवाइज इस पर राइट क्लिक करो और यहां पे देखो पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, यहां पे क्लिक करो या यहां पे क्लिक करो, बात बराबर है, हो गया। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी वी। मैं यहां पे शॉर्टकट की लिख देता हूं, CTRL प्लस ऑल्ट प्लस वी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होता है किसका, पेस्ट सर एक और स्पेशल। होता है ना हाँ क्या होता है बताना, ऑल्ट ऑल्ट ई एस वी, वो वी, वाली पोस्ट हो गया ऑल्ट उसमें ई आता है एस डायलॉग बॉक्स। वी। हाँ जी, तो ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस, सिंपल ऑल्ट ई एस। चलो एक और शॉर्टकट की हो गया, इस शॉर्टकट की का नाम क्या है, ऑल्ट प्लस ई प्लस एस, ठीक है। ये शॉर्टकट की है, तो अभी दो शॉर्टकट की भी हमें मिल गए, एक मैंने बताया एक मधु ने बता दिया, ग्रेट। मैंने भी बताई है सर। अच्छा शिवानी मतलब कोई भी बताया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सिंपल कॉपी किया हमने, यहाँ पर आ गए और पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं। हम अभी तक ये ऑल वाला केस था, ऑल पेस्ट मतलब कंट्रोल कॉपी किया पेस्ट कर दिया सिंपल, ठीक है, ये ऑल का केस था, समझ में आ रहा है। अब हम जाएंगे फॉर्मूले पे, जब हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, जब हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और ओके करते हैं, देखिए गौर करना क्या फर्क आ रहा है इसमें और इसमें, क्या फर्क आ रहा है सब लोग गौर करना। हमने क्या किया, अभी ऑल पेस्ट किया है, सॉरी फॉर्मूला हाँ पेस्ट किया है। फॉर्मूले कहने का मतलब ये होता है, आपका आप कह सकते हो कि यार डेली रिपोर्ट में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, आप ये कैसे पेस्ट कर दिया, ये सम वाला था सर। निशांत लिखा हुआ है तो निशांत तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला कैसे पेस्ट हुआ है ना कि नहीं। टोटल आप वाले में लगाए थे ना आपने, हाँ जी बोलिए, टोटल वाले में आपने सम वाला फॉर्मूला लगाया था ना। टोटल वाले में, हाँ तो टोटल में सम लगाया ना, टोटल वाला अगर पेस्ट किया यहाँ पे देखो, फॉर्मूला पेस्ट किया तो सही है, ये सब पेस्ट क्यों किया, ये चीजें पेस्ट क्यों हुई, ठीक है। ये फॉर्मूला पेस्ट कहने का मतलब ये होता है कि जो डेटा फॉर्मूला बार में दिख रहा है, ये देखो फॉर्मूले बार में दिख रहा है ना, यस तो वो चीजों को पेस्ट करेगा ये नहीं है कि आपका ये यहां से उठाएगा, जो फॉर्मूले बार में, देखो फॉर्मूले बार में निशांत दिख रहा है तो निशांत यहाँ पे पेस्ट करेगा, ठीक है। ओके अब ये फॉर्मूला पेस्ट किया, देखो इस केस में क्या था, ये जो डेटा था हमारा, ये पूरा का पूरा, ये इतने सारे सेल जो थे ये हमारे मर्ज एंड सेंटर थे, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर हुआ था, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ओके नहीं हुआ नहीं। है, ओके आप लोग गौर करना, मर्ज एंड सेंटर नहीं हुआ है, कलर तो बिल्कुल फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ओनली फॉर्मूला है। इवन यहाँ पे देखो तुमको कमेंट भी पास नहीं है, कमेंट भी पेस्ट नहीं है, आपको यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन भी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम तो फॉर्मूले में ओनली फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है। एक और चीज गौर करना, इसमें बॉर्डर भी पेस्ट नहीं है, नहीं ये सब चीजें होती हैं यार, इसकी यूज होती है, इसकी यूज पड़ती है, ठीक है। नीचे मैं जाता हूं यहीं पर, अच्छा यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं क्या, ये कौन सा यूज किया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया हुआ है, सब फॉर्मूला पेस्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये कौन सा फॉर्म, ये हमने क्या किया, फॉर्मूला पेस्ट किया ना, जी। फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा दूसरे केस में मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ डेटा को, यहाँ पे जाता हूँ और ऑल्ट ई एस आ गया वैल्यू, मैं बार बार जब रैंड बिटवीन फॉर्मूला यूज करता था तो वैल्यू पेस्ट करता था, यही वाला वैल्यू। इससे क्या होता है कि देखो यहाँ पे 108 दिख रहा है ना, ये 108 क्या है, यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई हुआ है, सम फॉर्मूला अप्लाई है, ये सम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होकर हमारा 108 पेस्ट हो जाएगा। जरा ओके करते हैं देखते हैं, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, इसमें क्या था, फॉर्मूले वैल्यू हैं यहाँ पे, फॉर्मूले हैं यहाँ पे, फॉर्मूले नहीं है, समझ में आ रहा है। वैल्यू यस
फर्क समझना, इसमें फॉर्मूला पेस्ट किया था हमने, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं किया, बाकी एज इट इज सारी चीजें हैं, लेकिन ये वैल्यू है वो फॉर्मूला था, ये वैल्यू है वो फॉर्मूला था, अंतर समझ में आना चाहिए। ओके और नेक्स्ट पे जाता हूँ, एंड कंट्रोल सी किया, एंड यहाँ पे जाते हैं हम पेस्ट स्पेशल में, एंड फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। अच्छा इसमें फॉर्मेटिंग क्या क्या की गई है आप लोगों को पता है ना, फॉर्मेटिंग क्या क्या की गई, जो काम हमने इधर से किया था वही फॉर्मेटिंग था। क्या किया था फॉर्मेटिंग, बोल मर्ज रही एंड है, सेंटर किया था, बॉर्डर है, उसके बोल बाद और भी कुछ कुछ चीजें हैं, रही ठीक है ओके करके देखते हैं पहले, उसके बाद ही पता चलेगा, कुछ है, पता चल। फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट तो आ गया, लेकिन ये बताओ कि सारे वैल्यू सारे नहीं कलर लिए हैं, यहाँ पे कलर तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ये क्या कहते हैं वो है गलत है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखो, तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल भी तो फॉर्मेटिंग है, ये भी तो फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग पेश किया तो वही पेश हो गया, हमने लगा रखा है अप्लाई कर रखा है कि भैया 140 से कम होगा तो हमारा कलर हाईलाइट हो, तो हाईलाइट है हो गया है कि नहीं। यहाँ पे हमने केवल क्या किया है, फॉर्मेटिंग पेस्ट फॉर्मेट। किया है, ये गौर करना, ये सब चीजें गौर करना, और कहीं भी डाउट हो ना तुरंत आप लोग पिंग करो, फॉर्मेट फॉर्मेट हमने किया ओके, किसी को भी डाउट होगा तुरंत वो पिंग करेगा मेरे को। नेक्स्ट पे जाते हैं, कॉपी किया, यहां पर आ गए एंड, अच्छा पेस्ट स्पेशल में कमेंट 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 है ना, इसमें कमेंट देखो तो क्या आया, कमेंट पेस्ट हो गया, कमेंट तो कमेंट पेस्ट होगा, जाइए आपको कहने का मतलब है कि भैया हमने केवल यहीं पे कमेंट किया है, इस सब पे कमेंट आना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये इस पे कमेंट पास करते हैं, इंसर्ट कमेंट एंड ये कर देंगे सिटी नेम, ये सिटी नेम है ना, दे दिया पास कर दिया, अब इस कमेंट को हमको सब पेयर करना है, तो पता है आप अब गौर करना, आप अगर सबको सेलेक्ट करके भी कमेंट लिखोगे ना, टाइप करोगे ना, तो जैसे क्या, तो ये एक ही सेलेक्ट होगा, पूरा पे नहीं आता है, तो सिंपल इसके लिए क्या करना है आपको, कॉपी करना है, हाँ जी बने हुए हो ठीक है, यस कॉपी करना है, सर, और कॉपी करने के बाद डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए और वापस वहां पे चले जाइए, कहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और कमेंट पास कर दो, कमेंट पास करोगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, देखो सब में कमेंट ऐड हो गया ना, दोबारा करना और सर। देखो मैं कंट्रोल जेड किया बैक गया, हमने क्या किया, एक जगह कमेंट कमेंट पास किया, यस क्योंकि ये सिटी नेम केवल दिल्ली नहीं है, साफ सभी तो सिटी नेम है, ये पूरा सॉरी, कॉलम हाँ है, जी तो हम इसे कॉपी करेंगे सिंपल, और उन सबको बस सेलेक्ट करने के कमेंट बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे एंड एज पर कमेंट पेस्ट करेंगे, कर देंगे, तो केवल कमेंट पेस्ट होगा ओके ठीक है। ओके अगेन मैं नीचे जाता हूँ, इसको कहाँ पे जाता हूँ भैया, कॉपी किया एंड यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पेस्ट किया है कमेंट, तो ये गौर करना, यहाँ पे हमने कमेंट पेस्ट किया है, यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट, यहाँ पे सेलेक्शन दिया, कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन वैलिडेशन हमने लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, लगाया हुआ है, वो लगाया वही ड्रॉप डाउन जो आ रहा था, ओके डाटा करते हैं, देखो वैलिडेशन। तो वैलिडेशन कहाँ पे था, ये लास्ट वाले पे था ना, यानी कि यहाँ पे आया होगा है ना, हाँ जी आ वैलिडेशन गया, है ना, सो यहाँ पे हमने वैलिडेशन भी अप्लाई कर रखा, अब नीचे नहीं आएगा, तो ये वैलिडेशन पेस्ट हुआ, तो वैलिडेशन में ओनली वैलिडेशन ही आएगा ठीक है। फिर इसको फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, अब आता है वैलिडेशन ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल और ऑल यूजिंग सोर्स थीम में क्या फर्क है, ये आप लोग गूगल करके मेरे को बताना, चेक करना, मैं यहाँ पे बस कर लेता हूँ ऐसे ओके ठीक है, दिख रहा है डेटा, सारी हाँ चीजें आ रही हैं एज इट इज, आप लोग का टास्क है कि आपको बताना है कि इन दोनों में फर्क क्या है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम वाले में ठीक है। इस ऑल यूजिंग सोर्सेज वाले में, मतलब अभी तक हमें जितने भी चेंजेस करते आ रहे थे सारे के सारे चेंजेस इसमें आएंगे, अभी तक हाँ जैसे एज हमने इट इज, तुमको कम एज इट इज डेटा पेस्ट हुआ है,
जितनी, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले वाले में किया था, फर्स्ट वाले में किया था ना ये, हाँ तो फर्क क्या है जनरल जो पेस्ट करते थे और इसमें फर्क क्या है ये आप लोगों को बताना है। अभी अभी 5 मिनट बाद मैं क्या करूंगा, वो करूंगा लाइक टेस्ट लूंगा, तो अभी मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोगों को टेस्ट भी देना होगा। यहाँ पे हो गया ऑल यूजिंग सोर्स नेम, इसको छोड़ देते हैं, ये आपको बताना है ऑल यूजिंग सोर्स। ठीक है तो आगे। एक मिनट प्लीज हाँ भाई, जी, हाँ जी, बोलिए। ऑल एजिंग प्रोसेस में जैसे कि हमें एक ही बार सब जितना भी लेना है उसे कर देंगे तो वो हो जाएगा, अलग हाँ तो बाकी, अलग नहीं करना। अरे यार तो वो मैं क्यों करूंगा, जब मैं जनरल पेस्ट कर रहा हूं तो भी तो डेटा मिल रहा है हमारा। तो वो सारे नहीं आ रहे ना फॉर्मूला वगैरह, अगर इस शीट में चेंज करेंगे तो उसमें क्यों नहीं जाएगा ना, वो लिंक क्यों नहीं हो नहीं, पाएगा। यहाँ पे एक नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को, आप मेरी बात को समझो, मेरा कहने का क्या मतलब है समझना जरा। देखो तो ये हमने पेश किया, ये पेश किया, हमने जनरल पेश किया था ना, कॉपी पेश कर दिया था, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है मुझे ये जानना है ओनली, और कुछ नहीं। आपको एज इट इज दिख रहा है ना कि फर्क है भी या नहीं फर्क है, ये मेरे को बताना है आपको। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, यस ये चीजें बतानी है। इसको फिर से मैं अनहाइड करता हूं और नीचे चला जाता हूं। ओके, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी यहाँ पर करना है पेस्ट, गो टू पेस्ट स्पेशल, एंड यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सारी चीजों को पेस्ट करो, बॉर्डर, कुछ सिर्फ बॉर्डर नहीं आएगा। बॉर्डर नहीं आएगा, देखो सारी चीजें दिख रही होंगी आपको, है ना। हाँ तो ये हो गया ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, गौर करना। नेक्स्ट पे जाता हूं मैं, अगेन कॉपी, भाई इसको प्रैक्टिस करना होगा, भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं कि भूल जाओगे। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, तो फॉर्मूला भी आएगा एंड नंबर फॉर्मेट भी आएगा। नंबर फॉर्मेट कहने का मतलब ये था मेरा, नंबर फॉर्मेट से मतलब ये समझना कि कंट्रोल एक बार जेड करते हैं, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ क्या, यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, डेसिमल लगा दिया ना, तो यस ये नंबर की फॉर्मेटिंग मैंने कर दी एक तरह से। अभी और भी नंबर की फॉर्मेटिंग पहले से भी थी, बट वो समझ में नहीं आ रहा था, अभी मैंने नंबर की फॉर्मेटिंग कर दी। देखो अगर मैंने इस तरह के ऊपर जैसे पेस्ट किया ना, वैसे अगर पेस्ट करता तो नंबर की फॉर्मेटिंग नहीं आती, बट यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग आएगी, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग किया, देखो यहाँ पे जीरो जीरो दिख रहा है ना, यस लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, क्योंकि ऊपर में नंबर फॉर्मेटिंग हमने ऐड नहीं किया था, तो एक चीज़ यहाँ पे कॉपी किया हमने, इस डेटा को कॉपी किया, और मैं एक बार यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। करोगे ना आप कुछ भी, पेस्ट स्पेशल किया, वैल्यू कर दिया, फॉर्मेट वैल्यू कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है ना, लाइक यहाँ पे डेसिमल, तो वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो फॉर्मेटिंग नहीं आती, यहाँ पे आती है नंबर फॉर्मेटिंग, अगर नंबर फॉर्मेटिंग देना है तो यहाँ पे ये क्या किया था हमने, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ओके, ओके फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ओके अगेन मैं कॉपी सर, करता मेरे को हूं। इधर वाला पार्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बताइए कौन सा। राइट साइड जो डायलॉग बॉक्स आप ओपन करके ये अप्लाई कर रहे हो रूल्स, तो इसका हाँ जो राइट साइड वाला जो आप बता रहे हैं ना आप इस भाई, वो मेरे को तो नहीं समझ आ रहा ये है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, ये तो मैं प्योर पेस्ट कर रहा हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, इसमें तो मैं मतलब बस जो चीजें लेना है वो, मतलब जैसे कि आपने देखो, बॉर्डर किया वो तो बॉर्डर आपकी नहीं आ रहा है। रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़ी कि भैया मेरे को केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूला पेश करना है, तो आप केवल फॉर्मूला पेश करोगे। अगर आपको केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है तो वो तो उधर फॉर्मेटिंग, से राइट साइड वाले से भी हम कर सकते थे, ओनली फॉर्मूला करेंगे तो वो आ जाएगा, ओनली फॉर्मूला है ना। कौन से राइट साइड एक वाले बार से। हाँ डायलॉग बॉक्स आप ओपन करो ना। जी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, कॉपी किया एंड ये, हाँ बोलिए।
हाँ इधर जो इधर है ना आपका, इसमें ये लेफ्ट वाला, तो इधर अच्छा, का लेफ्ट अगर हम वाले एक में एक और करेंगे तो इस हमारा। वाले में क्या फर्क है ये समझ में नहीं आ रहा। ये हाँ फॉर्मूला हाँ नंबर बिल्कुल फॉर्मेट और ये, बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट है, इन दोनों में क्या फर्क है? यही ना। हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ पे पहले मैं करता हूँ वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, मैं बताऊंगा वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। अब म्यूट कर लो, किसकी आवाज आ रही है साइड से। देखो फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट है तो मैं फॉर्मूले वाले पे चल जाता हूँ पहले। फॉर्मूला मैंने ऊपर में पास किया था यहाँ, ये देखो फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं हाइड करता हूँ। अब देखो ये है फॉर्मूला पेस्ट और ये है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पेस्ट। इसमें अगर मैं यहाँ पर एक बार बताना, मैंने ऐसे कर दिया नंबर की फॉर्मेटिंग, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा हाँ है। जी चलो हाँ जी एक काम और करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं इसको। इसको आप लोग वो करना, इग्नोर करना, ठीक है। अच्छा इसको मैं किया कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एज पर फॉर्मूला, ऑल्ट ई एस, एज अ फॉर्मूला पेस्ट किया। देखो तो क्या पेस्ट हुआ, दिखा आपको कुछ? फॉर्मूला होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जाते हैं, वही डेटा है ना, कॉपी किया, यहाँ पर आए एंड फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, क्या फर्क दिखा? अरे नंबर भी फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मूला की फॉर्मेटिंग। मैंने क्या बोला था, ये केवल फॉर्मूला पेश कर रहा है ना कि नंबर पेश कर रहा है, सॉरी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नहीं पेश कर रहा। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये चीजें हैं, है ना। मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला में होगा वो यहाँ पे पेस्ट होगा, लेकिन एक बात बताए, ये इसकी हमने फॉर्मेटिंग की वजह से परसेंटेज में कर दिया है। अगर जनरल आप नंबर में देखो तो ये यही है, केवल 80 है कि नहीं? तो दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ सेम काम, सेम कथा कहानी कहाँ पर है, अनहाइड करते हैं और वैल्यू वाले में भी, वहां पे केवल वैल्यू पेस्ट हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रहा है। समझ में आया? आवाज ढीला क्यों पड़ गया? सर नहीं ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट हो गया, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके कहने का, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने तो इसको डेस्टिनेशन नहीं दिया था, अभी डेस्टिनेशन दे दिया, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें इसकी ये देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आ गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें नहीं आ रहे थे ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा था ना, यहाँ पे हुआ दिखा। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आया था, ऑल यूजिंग सोर्स थीम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आया था, इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्मेट पेस्ट किया था तो फॉर्मेट में आया था, यहाँ नहीं आया था। मतलब यहाँ पर देखो ऑल यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सारे तो आएंगे ही, साथ ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आएगा। समझ में आया? अभी इसमें इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई है, लाइक जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे करते हैं यूजिंग जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट किया, सॉरी सॉरी, ठीक है, हमने कॉपी किया। अच्छा इस पे एक चीज हमारा छूट गया है, मुझे तो लगता है वही, देखो तो क्या छूटा है, कॉलम की विड्थ, ये छूट गया था, कॉलम की विड्थ। अगर हमने यहाँ पे पेस्ट किया कॉलम विड्थ, ओके करके देखो क्या होगा, इस पे फर्क देखना, कॉलम की विड्थ देखना, हो गया ना चेंज, हाँ सर कॉलम की विड्थ उसमें से। ओनली वही चेंज है, कोई डाटा नहीं आ रहा। इस डेटा पे कुछ चेंज नहीं हुआ, ये गौर करना, इस डेटा पे चेंज नहीं हुआ, केवल और केवल कॉलम की विड्थ चेंज हुई है, ठीक है। तो कॉलम की विड्थ अगर आपको चेंज करनी हो, सेम कॉलम की विड्थ रखनी है, तो आप कॉलम विड्थ पेस्ट करोगे। आपने सिंपल पेस्ट कर लिया, उसके बाद कॉलम विड्थ पेस्ट कर लो, आ जाएगा सारा का सारा कॉलम एक जैसा एडजस्ट हो जाएगा ना, ये करना है। तो ये हो गया कॉलम विड्थ, मैंने लास्ट में कॉलम विड्थ बताया, तो थोड़ा गौर करना इस पे क्या था ये कॉलम विड्थ।
ठीक है ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ नीचे। यहाँ पे जाओगे, इसको कॉपी किया यहाँ पर, तो ये सारे नंबर्स आएंगे। यहाँ पे देखो पेस्ट है जनरल, ये क्या है एज पर फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। देखो इस दोनों में फर्क दिख रहा है ना यहाँ पे, वो ट्यूजडे ट्यूजडे वाले में देखो 14 के साथ जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, गौर करना। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यहाँ पे देखो नो बॉर्डर, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ट्रांसपोज बाद में बताऊंगा क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चीज़ें समझ में आई, वैल्यू पेस्ट, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ये लिंक है पेस्ट एज लिंक, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ओके ये जो पेस्ट वाले हैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर कैमरा के बारे में बताऊंगा, कैमरा क्या होता है यहाँ पे, कैमरा कैसे वर्क करता है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में।